पॉल्यूशन जो है ना रिड्यूस कर सकते हैं, और ज़्यादा पेट्रोल का बार बार भरने का कोई चिंता नहीं रहता है। स्पेशली उसका टॉर्क अच्छा है, और उससे हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम जितना भी वो मिनिमम वे में यूटिलाइज करके लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सकता है। और जैसे अगर हम ये देखें कि मतलब इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है तो हेलो भाई, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम लोग डेली ईवी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोगों ने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था टाटा टैगोर एक्सप्रेस टी का, कि इसका पूरा इन डिटेल रिव्यू बनाया था कि क्या क्या होता है इसके अंदर, रेंज क्या है, सब क्या है। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग, मेरे हाथ में है टाटा टैगोर ईवी। तो हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग इसे आज सिटी में ले जाते हैं, ट्रैफिक में ले जाते हैं, एनएच पे ले जाते हैं, देखते हैं इसका रिव्यू कैसे रहेगा। जब चलाने पे पता चलता है ना कि ट्रैफिक में हम लोग चला पाएंगे कि नहीं, पहले ऑफकोर्स चला पाएंगे, पर हम लोग पूरा देखते हैं कि इसका फ्लॉस क्या है, डिसएडवांटेज एडवांटेज पूरा देखते हैं। चलो आज मेरे साथ बने रहिए, मैं कोशिश करूंगा कि ऑन द वे जो भी ऐसे रैंडम पेपर रहते हैं उनको जाके पूछने वाला हूँ कि भाई क्या लगता है आपको, ये सुनते हैं गाड़ी देख के क्या लग रहा है, कैसे टीम का मतलब, बहुत सारी चीज़ करने वाले और रेंज भी देखते हैं। This hand break down. Ignition को करते हैं on. इसमें ईवी में पता ही नहीं चलता है गाड़ी ऑन है कि ऑफ है। ब्रेक पक। I'll go to drive mode. ईवी में तभी मजा आएगा जब हम लोग, मुझे लगता है कि हाईवे में बहुत मज़े आने वाला है, क्योंकि इसमें है स्पोर्ट्स मोड, और जब हाईवे पे हम लोग जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड है, ईवी है, समझो क्या रेंज में जा सकती है गाड़ी। ये देखते हैं, मेरा रेंज भी अभी 97% है, 150 किलोमीटर जा सकते हैं हम लोग। 150 मीटर तो कंप्लीट आज मुझे नहीं लगता कर पाऊंगा, क्योंकि भाई मैं बैंगलोर में रहता हूँ, और बैंगलोर का ट्रैफिक ना, मुझे 10 किलोमीटर चलाने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो या एफएम चला दूं क्या, क्या चल रहा है, थोड़ा जान दो। इंडिया में ना गाइस बहुत सीडन टाइप के गाड़ीज आते हैं, वो पर्सनल यूज के लिए बेस्ट होता है, जैसे फैमिली 4 मेंबर जाने के लिए। और ये टाटा टैगोर एक्सप्रेस टी भी सीडन में ही आता है। मैं इतना देर अभी एक 5-10 किलोमीटर चलाया सिग्नल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पूरा ऑटोमेटिक है गाड़ी है, जैसे सिग्नल में मैं चला रहा हूँ, रोक रहा हूँ, तो ईजिली मूव कर पाएगी। कंपेयर टू बाइक्स या मैनुअल गाड़ी आप चलाते हो तभी आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर कोई नया चला रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर ये गाड़ी में, ऑटोमेटिक गाड़ी में, ईवी में आजकल पूरा ऑटोमेटिक आ रहा है, उसमें बस आपको फील आती है कि स्कूटी चला रहे हो आप। गाइस मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ इस पे, जैसे अभी आप सामने देख पा रहे हो कि इंक्लाइन रोड है, अगर मैं इसे नॉर्मल ड्राइव पे डाल के, मैं एक्सेलरेट नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अपना ब्रेक छोड़ूंगा, ये पीछे नहीं जाएगी, अपने आप सामने जाएगी। ये देखो, मैं अगर ब्रेक छोड़ दिया, स्पोर्ट्स मोड का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइव पे इंक्लाइन रोड पे इजीली चला जाएगी। अब स्पोर्ट्स मोड ट्राई करते हैं, अभी मैं आया स्पोर्ट्स मोड पे, अभी देखो मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं, मेरा पैर बिल्कुल पीछे है, मैं छोड़ दिया ब्रेक। और तो गाइस आप देख पा रहे हो, अभी हम लोग चर्च स्ट्रीट में है, अभी हम लोग जाएंगे नीचे, लोगों से पूछेंगे उनका क्या ख्याल है ईवी का, तो चलते। नाम आकाश। आपका नाम सर? अभिषेक। सर आप बता सकते हैं ईवी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ईवी के बारे में तो अच्छा कार, इलेक्ट्रिक जो हमसे जो पॉल्यूशन जो है ना रिड्यूस कर सकते हैं,
और ज़्यादा पेट्रोल का बार बार भरने का कोई चिंता नहीं रहता है। और कुछ आपका क्या ख्याल है सर? सर ईवी के बारे में बोलना बोले तो स्पेशली उसका टॉर्क अच्छा है और उससे हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम जितना भी वो मिनिमम वे में यूटिलाइज करके लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सकता है। और बैटरी भी जो भी अब है उसका बैटरी वो तो मिनिमम 100 ऐसा चलता है। फिर भी अब एक्स्ट्रा अब हम उसके अंदर न्यू फीचर्स लेकर आए तो उसका बैटरी को हम अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम लॉन्ग डिस्टेंस को भी अब फ्यूचर में ला सकते हैं उसके लिए। और ईवी से जो भी लाइक ईवी को हम इजीली चार्ज कर सकते हैं, लाइक वी कैन कीप एक्स्ट्रा बैटरी विद अस एंड वी कैन कैरी इट फॉर इफ यू वांट टू गो फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस ना एट दैट टाइम वी कैन कैरी दैट बैटरी विद अस एंड देर इज नो दैट काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस। ऐसा ऑलमोस्ट ऑल हम जो भी एडवांटेज कितना है बोले तो 70-80% फुल्ली एडवांटेजेस है। आप डिसएडवांटेज आप व्हीकल को अच्छा मेंटेन कर ले को आप उसको रेगुलर सर्विस को देखो आप ईवी को ना अपने लाइफ में अडॉप्ट कर को उससे बहुत सारे बेनिफिशियल और बहुत सारा आपका जो भी एनुअल इनकम को सेव करना बोलकर किसको रहता है मंथली इनकम आपका सेव कर सकते हैं। अभी एज कम्पेयर टू हम पेट्रोल व्हीकल्स वो सब रहता है वो पेट्रोल व्हीकल से क्या होता मतलब पेट्रोल व्हीकल्स को हम बार बार पेट्रोल को विजिट करना और अभी देखे ना लास्ट फ्यू मंथ्स के बिफोर 100 के ऊपर चला गया था पेट्रोल का रेट तो हम इतना अमाउंट कभी कभी स्पेंड करने के लिए हमारा अब नॉर्मल बोले 15-16,000 किस भी नॉर्मल मैन को देते हैं एवरेज सैलरी बोले तो उस टाइम पे ना अब नॉर्मल पर्सन जरा नॉर्मल ऐसा बुलेट वो ये गाड़ी बोलकर आते उनका एवरेज सिर्फ 30 ऐसा रहता है वो ना बहुत एक्सपेंसिव भी गिर जाते हैं। अभी हमारा नॉर्मल सिंपलिसिटी ऑफ मैन लाइक नॉर्मल सिटी में हम कहाँ भी जाना है टाउन को जाना है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ईवी ना बहुत अच्छी है। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं ना आजकल देख रहे हैं आप छोटी सी चीज के लिए हम इलेक्ट्रिक सिटी यूज करते हैं इसे ही व्हीकल बोलकर टू व्हीलर व्हीकल 4-व्हीलर व्हीकल्स हम अब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके अब फॉरेन कंट्रीज में तो ऑलमोस्ट ऑल ईवी का बहुत ही क्रेज है हो गया है। अभी हम भी हम हमारे कंट्री में हमारे देश में हमारे स्टेट में हम भी ईवी को अच्छा ज्यादातर अप्लाई करें अडॉप्ट करके हम भी यूटिलाइज करें और हमारे देश का कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके हम अच्छा कर पाए। थैंक यू सर। हाय सर आपका नाम? विपसन विश्वास। सर आपको ईवी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ईवी अभी एक इमर्जिंग मार्केट है वो ग्रो हो रहा है और इंडिया में तो बहुत ज्यादा स्कोप है ईवी का आगे चल के बहुत बढ़िया बनेगा। अभी जितना भी कंपनीज आ रहे हैं सब लोग स्टार्टअप के हिसाब से बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर तो रहे हैं बढ़ेगा भी और गवर्नमेंट के हिसाब से भी तो काम तो चल ही रहा है इसके ऊपर। अगर आपको लेना है तो आप ईवी लोगे क्या पेट्रोल गाड़ी लोगे? अभी जैसा अगर मैं मार्केट देखूं और फ्यूचर के बारे में सोचूं तो ईवी ऑब्वियसली प्रेफर करूंगा। थैंक यू सर। ओके हेलो सर आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद नेहरू। सर आपका ईवी के बारे में क्या ख्याल है? ये अच्छा है ये अपना कार होता है कि उसमें सफर करके हम लोग जा सकते हैं। सर उसमें पेट्रोल का जो पैसा है डीजल का वो पैसा बच जाता है। हाय सर आपका नाम? सुमित कुमार। सर आपका नाम? सर आपको क्या लगता है ईवी के बारे में? ईवी के बारे में मेरे काफ़ी मल्टीपल थॉट्स हैं जैसे अगर हम ये देखें कि मतलब इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है तो अगर हम अदर्स पर्सपेक्टिव देखें तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि जितना इसके बैटरी के में कार्बन एमिशन हो रहा है ना उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर हम हाइड्रोजन व्हीकल की तरफ मूव करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली जैसा अगर देख रहे हैं सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है ईवी तो हम कंपैरिजन करना ज़रूरी होगा क्योंकि अगर आप अभी के लिए सोच रहे हो कि हाँ ठीक है अभी ईवी बन रहा है अगर हम अभी से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईवी के लिए बना देंगे तो हाइड्रोजन के लिए नहीं बना पाएंगे प्रॉब्लम वहाँ है। अगर हम पूरा सब कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सबका सब हमने दे दिया ईवी को हाइड्रोजन कैसे एक्सप्लोर एक्सपेंड करेगा है कि नहीं? तो ये है मेरा थॉट इसके लिए ईवी के लिए। यस सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो गाइस अभी चार्जिंग 64% बचा है शाम को बज रहे 6 मैं उसे सुबह से चला रहा हूँ अभी 114 किलोमीटर रेंज बता रहा है तो अपना मैं जेन्युइन रिव्यू बताता हूँ अभी। तो पहला मैं पॉइंट बढ़ता हूँ कि ए प्राइस सेगमेंट में ये जो 8 लाख से 11 लाख में मिलती है ना एक्चुअली इसमें वो वाला फील नहीं है जब जैसे आप बड़े बड़े गाड़ी चलाते हो ई में जैसे आप उसका टॉर्क बहुत रहता है जैसे आप एक्सलेट करो वो स्पीड जाता है ना उसमें वो एक फील नहीं है क्योंकि ए प्राइस सेगमेंट में ए ठीक है
क्योंकि ये बिल्कुल फैमिली टाइप गाड़ी लगता है मुझे, जिसको जॉब से जाना है आना है, सिर्फ सिटी में चलाना है, इंट्रा सिटी चलाना है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और ए प्राइस सेगमेंट में ए प्रीमियम फील देती है। और वही पेट्रोल गाड़ी देखो, पहला क्या आता है ईवी में कि सुनते ही कि भाई इसमें कैसे इसका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, पेट्रोल गाड़ी जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ ये प्रॉपर मतलब गाड़ी जैसा है, आपको फील ही नहीं होता है कि आप ईवी चला रहे हो, बस इतना डिफरेंस आपको समझ में आता है कि उसमें पेट्रोल ए दिखाता है गेज, इसमें ईवी का दिखाता है। और सिटी में इसका मैं डायमंड्स की बात करूँ, इस सिटी के लिए परफेक्ट है। जैसे एक छोटे छोटे, मैं सुबह से ट्रैफिक में ही चला रहा हूँ जैसे आप देख चुके हो, ये छोटे छोटे ट्रैफिक सिग्नल्स में रहने दो, ऐसे रहने दो कि आराम से चले जाता है। स्टीयरिंग इसका स्मूथ है, मुझे ज्यादा मेहनत करने भी नहीं पड़ता है। अभी हम लोग मोड्स पे चलते हैं। देखो इसमें आपको चार मोड है, आपको पता ही है, एक है न्यूट्रल, एक है रिवर्स, और एक है ड्राइव, और एक है स्पोर्ट्स। पहले हम लोग न्यूट्रल, रिवर्स तो नॉर्मल ही है, लाइक रिवर्स है मैक्सिमम आपको 5-10 किलोमीटर पर आवर तक जाएगा पर किलोमीटर, और न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही है। अगर मैं ड्राइव मोड में बात करूँ ना, तो ड्राइव में मैं अगर बात करूँ आपको समझो, मुझे एक मैं एक फॉल्ट लगी मैं बता देता हूँ। जैसे आप चला रहे हो, अगर आपको यू टर्न लेना है, ए लेना है, तो आप ड्राइव से रिवर्स आने में मुश्किल होता है आपको, थोड़ा मोड्स में थोड़ा सा लैग है इसमें, क्योंकि जब आप ड्राइव में जा रहे हो ड्राइव से स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से ड्राइव इजीली आ जाता है। जब आप ड्राइव से रिवर्स जा रहे हो या न्यूट्रल जा रहे हो, तो तभी आपको हल्का सा लैग मिल रहा है, मुझे ऐसे फील हुआ, क्योंकि मैं चला रहा हूँ, जब कोई मुझे अगर सडन रिवर्स लेना है, यू टर्न लेना है, थोड़ा सामने जाके ऐसे पीछे लेना है, तो मुझे वो थोड़ा सा लैग समझ में आ रहा है। तो उसका वो एक है, और इसका रेडिएशन कर भी 180 डिग्रीज बहुत अच्छा है, आराम से घूम जाएगा गाड़ी। और एक पॉइंट मैं अगर ड्राइव के बारे में बात करूं, तो आप जब ये सोचो एनएच पे चला रहे, एनएच पे नहीं, ड्राइव मोड में हम सिटी के बात करते हैं, आप सिटी पे चला रहे हो कि ऐसे सामने जा रहा है, आपको बिना कोई झंझट या नाटक के आप इजीली ड्राइव में ओवरटेक कर पा रहे हो इन सिटीज। और स्पोर्ट्स में आप, मैं सजेस्ट करता हूं स्पोर्ट्स में ऐसे ट्रैफिक वगैरह में डाल के मत चलाओ, क्योंकि वो बीस्ट मोड होता है। स्पोर्ट्स मोड आप तब चलाओ कि जब आप एनएच एनएच में रहते हो, तो आप वहां पे इजीली आप स्पोर्ट्स मोड डाल के एक ओवरटेक करके आराम से जा पाओगे। जब जैसे कि और ड्राइव का बात करें हम लोग, ड्राइव आप सिर्फ सिटी में इजीली आप ओवरटेक कर पाओगे, जैसे क्योंकि ड्राइव मोड में इसलिए दिया है कि क्योंकि आप सिटी में चलाते हो, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है, इसलिए ड्राइव मोड में आपको ट्रैफिक या सिटी में, इंट्रा सिटी में आप इजीली ओवरटेक कर पाओगे। जैसे पेट्रोल में होता है ना, हम लोग ऐसे थर्ड गियर या फोर्थ गियर लगा के चलाते हैं, और फिफ्थ सिक्स्थ में हम लोग एनएच पे जाते हैं, इसमें भी सेम ऐसा रहता है। ड्राइव मोड आप सिटी पे आप इजीली चलाओ, और स्पोर्ट्स मोड आप एनएच पे चलाओ। तो और हम लोग रेंज के बात करें, जो इन्होंने क्लेम किया है 200 समथिंग किलोमीटर, वो उतना मुझे लगता है कि नहीं देगी, पर वो इतना किलोमीटर दे देगी कि आपका डेली यूज के लिए हो जाए, कि आप सिटी के लिए और डेली यूज के लिए आप जो कर रहे हो, कि एक दिन में आपको एक ही टाइम चार्ज करना जरूरी मतलब हो जाएगा। जब आप इंट्रा सिटी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको एक एक चार्जिंग पॉइंट, जैसे मैं रहता हूँ बैंगलोर, और बैंगलोर से मैसूर आपको 120 किलोमीटर है, मैं इसको मेरा रेंज है अराउंड सोचो 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर में जा पाऊंगा, पर मुझे ऐसे बैकअप प्लान सोचना पड़ेगा कि इन केस अगर कुछ हुआ चार्जिंग वगैरह, तो मैं चार्ज कर पाऊंगा। वही वो क्लेम रेंज से बहुत ही कम है, आईडी से रेंज के हिसाब से मुझे लगता है 150 तक देगा, पर हाँ आपका डेली यूज के लिए ये चल जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग स्पोर्ट्स मोड में है, जीरो, हम लोग देखते हैं कितना पावर मतलब कितने सेकंड में कितना जाता है। तो गाइस हम लोग जो भी गाड़ी लेते हैं, मैं ऐसे यूथ का बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे एज के जो होते हैं ऐसे बात कर रहा हूँ मैं, तो उन लोग गाड़ी लेते हैं, एक पॉइंट उनका चाहिए एक अच्छा सा स्पीकर। अगर वो स्पीकर है ना, वो पूरा लॉन्ग ड्राइव पे वही मजा आएगा स्पीकर वाले। तो इन्होंने टाटा में और हरमैन ने, जो भी टाटा गाड़ी लेते हो आपको हरमैन के साथ आता है, तो मैं आपको एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा झलक दिखाऊंगा इसका कैसा है। 1 2 3 पे गाड़ी चला रहे हो एनएच पे, तो आपको क्या ही चाहिए। और पूरा इन्होंने पूरा सोच समझ के बनाया कि ऐसे स्पीकर रखा है कि हमको एक्सटर्नल स्पीकर का जरूरत ही नहीं है। अगर मैं रीजन की बात करूं, रीजन ये होता है कि रीजनरेशन ब्रेक होता है,
और उसका मैं बात करूँ, जैसे सोचो इसमें मुझे एक अच्छा लगा कि आप एक स्लो पे जा रहे हो, तो ये अपने आप सोचो आप एक 20-30 स्पीड में आप स्लो पे जा रहे हो तो ऑटोमेटिक वो रीजन करके रीजनरेट करेगा बैटरी, तो ये गाड़ी में वो ये रीजनरेशन ऑटोमेटिक वो ब्रेक लगा के अपने आप चार्ज करते हैं, ब्रेक लगाने पे भी वो चार्ज रीजनरेशन कर लेते हैं, पर इसमें एक स्पेशलिटी है कि वो अपने आप एक स्टैंडर्ड स्पीड में जाके वो रीजनरेट करेगा। या आप उतना सुबह से शाम तक हम लोगों ने इसका ट्रैफिक टेस्ट किया, पूरा टेस्ट किया, हम लोगों ने लोगों से भी पूछा उनके ईवी का उनका ख्याल में क्या आता है, मतलब ईवी सुनते उनका दिमाग में क्या आता है। या मैं आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो यहीं करते हैं, टिल देन डू सब्सक्राइब, बाय बाय।